राइट सो आज जिस ड्रग का हम जिक्र करेंगे इसका नाम है लोसार्टन। सो द वर्ड इज़ लोसार्टन, जिसमें वर्ड है सार्टन का। सार्टन हम ऑलरेडी पता है हमें, जब भी सार्टन का लफ्ज़ आता है हमें पता है कि ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। पाकिस्तान में या एशिया में को ईजी डे के नाम से अवेलेबल है या ईजी डे के नाम से अवेलेबल है। ईजी डे में सिर्फ लोसार्टन है, को ईजी डे में लोसार्टन के साथ साथ हाइड्रोक्लोरथायाजाइड भी प्रेजेंट है जो कि वो भी हाइपरटेंशन कंट्रोल करती है। इसके अलावा लोसार्टन की एक और डोजेज फॉर्म भी है और कोजार के नाम से भी हमारे पास अवेलेबल है। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ नामों से या इंडिया में ये मुख्तलिफ नामों से हमारे पास अवेलेबल है और फार्मेसी से बड़ी बआसानी मिल जाती है। डोजेज फॉर्म और स्ट्रेंथ की बात करें तो ये टैबलेट हमारे पास मौजूद होती है टैबलेट फॉर्म में, 25 mg, 50 mg और 100 mg में आती है ईजी डे के नाम से, लोसार्टन के नाम से। मुख्तलिफ नामों से ये टैबलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ शक्ल में आती है। और फार्माकोलॉजी की बात करें तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। साथ ऐसी बात जैसे कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ब्लड वेसल है। अब ये ब्लड वेसल है तो यहाँ पे एक हमारे पास हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 2 आता है और हमारे पास ब्लड वेसल पे एक्ट करता है, वहाँ पे इसका रिसेप्टर है ब्लड वेसल्स के ऊपर, ये उसका है रिसेप्टर। तो जब ये हार्मोन एक्ट करता है तो हमारी ब्लड वेसल्स नॉर्मल होने की बजाय इस तरह से छोटी हो जाती हैं। तो देखें, अब जब ब्लड वेसल छोटी हो गई है तो अब जो ब्लड यहाँ से गुजरेगा तो वो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर देगा क्योंकि ब्लड वेसल छोटी हो गई है। तो हमारे पास जो ड्रग है लोसार्टन वो इस रिसेप्टर का है ब्लॉकर, यानी आपकी ड्रग आएगी, ये आपकी ड्रग है, आपकी ड्रग आके इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। तो जब ये रिसेप्टर यहाँ पे ब्लॉक होगा तो ये मॉलिक्यूल एंजियोटेंसिन मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। जब एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा तो ब्लड वेसल हमारे पास नॉर्मली अपनी जो है उसकी विड्थ नॉर्मल रहेगी, कंट्रैक्ट नहीं करेगी और जो हाई ब्लड प्रेशर था वो वापस अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो है फार्माकोलॉजी है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की। अच्छा, क्लिनिकल यूज़ या इंडिकेशंस क्या है, इनकी इसलिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हमें पता है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए 50 mg से शुरू करते हैं पर ओरल इनिशियली, और हम डोज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं अप टू 100 mg पर डे तक हम डोज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एक तो प्राइमरी है, सेकंड आपको पता है डायबिटीज़ में जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है साथ साथ अक्सर उनको ब्लड प्रेशर की भी हिस्ट्री होती है, उनको ब्लड प्रेशर भी रहता है, ऐसे लोगों में अक्सर हो जाती है नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे लोगों में भी 50 mg पर डे से शुरू की जाती है और 100 mg तक पर डे हम दे सकते हैं। जिनको नेफ्रोपैथी हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़ में स्पेसिफिकली दे हैव हाइपरटेंसिव हिस्ट्री। अच्छा, वार्निंग साइन है बहुत ही ज़रूरी, जब भी प्रेगनेंसी हो तो फौरन से ड्रग डिसकंटिन्यू कर लेनी चाहिए वरना ये फीटस में डिफरेंट प्रॉब्लम्स कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है अक्सर वो लोग ड्रग यूज़ करते एलिस्काइरन, कभी भी एलिस्काइरन के साथ ये ड्रग नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये बात याद रखिएगा। ओके, अगर आपको एमटी हाइपरटेंसिव की डिटेल्ड फार्माकोलॉजी देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे होगी शबनूर मेडिसिन को सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाके शबनूर मेडिसिन को सर्च करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा, इसको आप विज़िट करें और आपको डिटेल्ड फार्माकोलॉजी मिल जाएगी ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट पे। थैंक यू।